हाँ, मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ बबल गन के साथ। ये इतना सेटिस्फाइंग है ना, बिल्कुल सबको करना चाहिए। जिसको थोड़ी सी भी टेंशन होती है ना, उसको ये सब करना जरूरी है यार। टाइम के लिए सबको बच्चे बन जाना चाहिए, तभी मजा आता लाइफ में। वेलकम बैक गाइस, आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आए हैं वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने। वीकली हम सैटरडे या फ्राइडे इवनिंग में आते हैं, तो मैं और श्री पहुँच चुके हैं। श्री यहाँ अपने पापा का वेट कर रही है, वो कार पार्क करने गए हैं और शिवांश भी उनके साथ ही है। तो बस हम चलते हैं। अब क्यों उतार रही हो? बिना कैप के तो रखी, घर से उतरती ही नहीं हम। यहाँ से दबाओ श्री, इसको ऐसे दबाओ, ऐसे और आप यहाँ देखिए कितनी प्यारी फिशेज हैं। ये इम्पोर्टेड फिशेज हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर हम लोग नहीं रखते घर में। मतलब पता नहीं क्यों मुझे, मतलब टैंक क्लीन करने में और उन सब चीज़ों में थोड़ा डर लगता है कहीं फिशेज मार ना जाएं। बस दूर से ही मैं देख के खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो करता है पर मैं ले जा नहीं सकती। पर इतनी प्यारी है ना, इतने सुंदर कलर्स की हैं। नहीं दे दो ना, उधर दे, कोई नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है। जब तक यहाँ स्कैनिंग होगी ना और बिलिंग होगी, तब तक श्री को इस ट्रॉली में बिठाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सारी साइड की जगह है ना, इनको सबको खाली कर देती है। इसीलिए उसको यहाँ पे थोड़ी देर एंगेज कर रहा है शिवांश कहीं ना कहीं टॉयज में। सीधा तो करो, सीधा करके तो बता के अलग मजा आ रहे। और दिखा कुछ, और दिखा। ऊपर ही नहीं आ रही है, देखिए। ची। इतना सारा हवा नहीं चाहिए। अच्छा देव। ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है ना H2O। दे दो लाओ। दे दो। ये शिवांश दे दो बेटा, चलो घर चलो। ये आपको पसंद आया, ये लेना है आपको। शी यू लाइक इट? वाओ वाओ। चलो चलो, हाथ पकड़ो मम्मा का। मैं लूँ कुछ? खाने में आपने, आपको पता है भेलपुरी का है मैंने भी। सब वेजिटेबल्स गाड़ी में पहुँचते हैं घर। श्रीदेवी बिल्कुल आगे पीछे हो रही है, बहुत परेशान करती है आगे पीछे, इसको एक साइड सेंटर में बैठना नहीं है।
घर पहुँच कर सारी वेजिटेबल्स फ्रिज में सेट कर कर अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ। और डिनर में हमने आज खाई थी भेलपूरी। श्री अपनी चपाती खाती है जिस दिन हम ऐसी कोई चीज़ खाते हैं। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बबल वाली गन से खेल रहे हैं। इतना अच्छा लगता है श्री को इस बबल वाली गन के साथ खेलना, इतने सारे बबल्स को बर्स्ट करती रहती है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बचपन में इस टाइप की बबल वाली गन्स नहीं आती थी, नहीं तो हम भी इस तरह से ही मज़े करते। तो हम अब बच्चों के साथ ये अपना बचपन जी रहे हैं। ठीक है, फ्रॉक ठीक कर देना। चलिए कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। कलर्स वगैरह सब चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है और मैं घर के बाहर के लिए कुछ बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि जो हमारा मेन एंट्रेंस है उसका मुझे थोड़े दिन से न्यू लुक देने का मन कर रहा है। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आज शुरुआत कर ही लेते हैं। फिर कुछ कलर्स जो मेरे ख़त्म हो रहे थे वो मैंने मंगाए हैं। ये तो नियॉन कलर्स के पेंस हैं जिनसे मैं बहुत कुछ करने की सोच रही हूँ। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे ना मुझे मीशो से मिले हैं। और इनका ना जो कोड नंबर है शायद जो मीशो पे चलता है वो कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने कुछ मांडल आर्ट की किट भी मंगाई है जो कि हमेशा ही काम आती है। और फिर ना मुझे कुछ ना कुछ चीज़ों से करना पड़ता था। जो पहले मैंने किया है वो ईयरबड से किया था या फिर शिवांश की पेंसिल की निब से, तो वो मतलब बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप ले सकते हैं तो ये सब चीज़ें ले लेनी चाहिए, तो मैंने ये लिया है। और ये ग्लासेस होते हैं उनको कवर करने के लिए ये, और एक ये वाला पेपर मंगाया है। बाकी ये तो सब मेरी वैसी फाइल्स वगैरह हैं। और ये मैं ऐसे ही बैठ के एक दिन क्रिएट कर रही थी छोटा सा, यहाँ पे शिवांश ने चला दिया। ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई थी और ये सब शिवांश ने चला दिए सारे पेंस। और ये हैं कुछ स्केच पेंस, बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स में हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, मीशो पे भी होंगे मैंने चेक नहीं किया। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, इनका भी लिंक मैं डाल दूँगी। बहुत ही अच्छे स्केच पेंस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। आप देखोगे ना पास से, देखो ग्रे में 1 2 3 4 ये ग्रे के शेड्स हैं। और ये भी कुछ कुछ ग्रे जैसे ही हैं, ये देखो बेज कलर के, टैन कलर के, पर्पल में कितने सारे शेड्स हैं। काफ़ी अच्छी मतलब कलेक्शन है इनके ना। तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। मैंने एक MDF की शीट ली है जो ये मेरे पास पहले से ही थी, तो इसमें पीछे हैंग करने का ऑलरेडी है, तो आपको दिख रहा होगा। इस पर जो पहले लगा हुआ था मैंने हटा दिया, मैं उससे बोर हो गई थी। मैं सोच रही हूँ अब इसको अच्छे से डेकोरेट करके फिर कहीं पे हैंग किया जाए। और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अंदर दिखाई दी जो कि मांडल आर्ट के लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। और मैं कुछ नैपकिन्स का यूज़ करने वाली हूँ टिश्यू पेपर का। और ये मेरे पास कुछ एक्रैलिक पेंट्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी, स्केच पेंस। अभी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या चीज़ यूज़ करके क्या क्रिएट करने वाली हूँ, बस बैठ गई हूँ। सारे पेंस मैंने रख लिए, तो सारी चीज़ें मैं रख ली हूँ, अब देखते हैं क्या बनाएंगे। सो, सबसे पहले मैं इसके ऊपर फेवी स्टिक से एक टिश्यू पेपर स्टिक कर लूँगी। कुछ लोग इसको फेविकॉल से भी स्टिक करते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि वो सूखता है, तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो मैंने इसको फटाफट फेविक्विक से स्टिक कर लिया, और ये सिर्फ इसलिए किया है जिससे कि स्मूथ सरफेस मिल जाए कलरिंग के लिए। तो 2-3 मिनट्स के बाद ये थोड़े से ना इसमें पैचेस आ जाते हैं और वो अपने आप ही ड्राई होने लगता है। मैंने नीचे बेस पे थोड़ा सा कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लिया जिसको मैं बेस रखूंगी, और उसके बाद मैं स्केचिंग ट्राई की बट वो स्केचिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और सबसे पहले एक्रेलिक पेंट करना स्टार्ट कर दिया। और एक्रेलिक पेंट करते हुए कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे थे कि मैं इसको कैसा लुक दूँ, जबकि मैं इसको मेन डोर के लिए बना रही हूँ, मेन एंट्रेंस के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ, तो क्यों ना इविल आई बनाई जाए। तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें कलरिंग करना स्टार्ट किया वाइट से। प्रॉपर इविल आई होती है उसमें 2-3 शेड्स होते हैं, ब्लू के शेड्स मिल जाएंगे आपको, वाइट एंड ब्लैक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वाइट एंड ब्लैक को यूज़ करके ही एक पैटर्न अच्छा सा क्रिएट कर, इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 कलर यूज़ करके ही हमें इसको बनाना है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसको कर पाई क्योंकि श्री मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और रात हो गई थी, उसको नींद आ रही थी, तो मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया कल के लिए। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।